जगन्नाथ, नमस्कारम। सो आज हम बात करने वाले हैं जो अभी सितंबर 18, 2021 को आने वाला है कि बामन वेश, उस दिन बामन जयंती है एंड उस दिन श्री मंदिर में एक यूनिक टाइप का वेश होता है जो कि बामन वेश मीन्स वी आर सेलिब्रेटिंग द बामन अवतार। उसमें जगन्नाथ जी बामन का वेश होते हैं एंड पूरा जो मीन्स तीनों विग्रह है तो पूरा ब्रॉड वो पूरा इंसिडेंट को दिखाते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये बेस होता है, उसमें क्या क्या लगता है एंड द स्टोरी बिहाइंड क्या है, मैं आपको सुना के इसको दिखाऊँ क्या करना है। मैं ऑलरेडी बलराज जी को दिखा दिया था क्योंकि आप थोड़ा अच्छा लगेगा बोल के एंड मैं हूँ गणेश, जस्ट प्ले का फाउंडर। स्टार्ट करते हैं। सो ये साल में एक ही बार होता है, इसीलिए ये वन ऑफ द यूनिक है क्योंकि भगवान विष्णु का जो 11 अवतार है उसमें ये 6th अवतार है जो कि वन ऑफ द यूनिक है एंड लोग मानते हैं कि ये एक प्योर ब्राह्मण है, मीन्स ब्राह्मणिज्म को सेलिब्रेट करने के लिए ये है क्योंकि जो उनका अवतार था 6th अवतार वो एक ब्राह्मण का अवतार था। सो ये जो बेसव होता है बलभद्र जी उसमें इस बेसव में राजा बलि है, राजा बलि जो जिनको जिनका राज खत्म करने के लिए जगन्नाथ जी आए थे एंड ये था कि एक युद्ध हुआ था, इस उस युद्ध में सारे असुरों को मीन्स जो देवता थे उनको उन्होंने उनको हरा के मार भी दिए थे। जब उसके बाद जो उनका गुरु था सेंट शुक्राचार्य, वो एक मंत्र से संजीवनी मंत्र से उनको फिर से जिंदा कर दिए थे। उसके बाद वो यज्ञ करके विश्वजीत यज्ञ करके वो बलि राजा ने स्वर्गलोक में आधिपत्य किए एंड बहुत सारे जीते थे। तो फिर से उनका राज खत्म करने के लिए महाप्रभु ने उनका रूप लिए बामन अवतार का। ये वन ऑफ द काइंड मीन्स वन ऑफ द यूनिक अवतार है क्योंकि देखिए इस बेसो में जो ये तिलक लगा हुआ है, ये तिलक का सीधी सा तिलक है एंड उसमें बहुत सारे यूनिक चीज़ भी लगता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या लगता है, आप भी देख के मीन्स आपको लगेगा कि क्या है बोल के ये। तो उसमें बलभद्र जी जो है वो राजा बलि का जो बलि है, राजा महाबली जो है राजा, उनका रिप्रेजेंट करते हैं एंड देवी सुभद्रा जो है विंध्यावली, जो बलि राजा का जो वाइफ है उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं इस बेसो में। आई होप इट लुक्स गुड क्योंकि मुझे यहाँ से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो सॉरी इफ कुछ आगे पीछे होगा तो हमको माफ कीजिएगा। सो ये रहा उनका अपर। तो उसके बाद तो बलभद्र जी उसमें ये होते हैं कि बलभद्र जी उसमें राजा बलि की किरदार में होते हैं एंड सुभद्रा जी उनकी वाइफ में एंड जगन्नाथ स्वयं जगन्नाथ जो ब्रह्म है वो बामन रूप में होते हैं। ये पूरा जो तीनों मूर्ति ये आपको पूरा स्टोरी बताते हैं कि आप क्यों वो इंसिडेंट कैसे हुआ था एंड क्या क्या हुआ था। तो उसके बाद मीन्स बलभद्र जी का ये है जो कि जिसको बोलते हैं ओडियाई, इट्स इज वन ऑफ द मीन्स ओडिशा का ये ट्रेडिशनल ये है कि ये पहनने के लिए, इसलिए उसको इसको ओडियाई बोला जाता है। ये मूर्ति थोड़ा हमारा मीन्स ट्रायल काइंड का मूर्ति है, तो सॉरी फॉर दिस स्मॉल मूर्ति बिकॉज दिस बेसो, ये बेसो प्रीमियम बेसो है जो कि प्रीमियम मूर्ति के लिए था क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा बारिश हो रहा है तो मुझे बेसो मिल नहीं पाया, तो मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ कि कैसे ये होता है। रहा उनका हो गया एंड ये रहा सुभद्रा जी का। बारिश में सोचो कि जल्दी जल्दी सितंबर 18 को है तो सबको चाहिए हो, और अगर आपको भी ये चाहिए होगा तो आप डेफिनेटली हमारी स्टोर से ऑर्डर कर सकते हैं।
पास अभी भी स्टॉक है, क्योंकि मैं जानता हूँ डिवोटीज लोग, डिवोटीज को और लास्ट को याद आता है कि खरीदने के लिए. सो दिस इज द थिंग्स वी मेक. एंड अब देखें जैसे हमारा क्वालिटी का है. सो एक मंत्र है जो कि निराद्री महोदयों में एक मंत्र है इस बेसब के रिलेटेड, जो कि ये उस मंत्र का वो ऐसे होता है कि नमो बामन रूपायो बड़ी धनस विनोदिने त्रिविक्रमायते नित्य नमोस्तुते नमो नमः. तो इस बेसब के लिए एक मंत्र भी है जो कि निलाद्री महोदय में, निलाद्री महोदय मतलब द व्हाट्सअप जगन्नाथ. जैसे कृष्ण जी का भगवद गीता होता है वैसे एक मंत्र होता है जगन्मोहन जी, वैसे ही एक बुक है जो कि उनका व्हाट्सअप महाप्रभु, वो उसका नाम है निलाद्री महोदय. उसमें ये लिखा हुआ है कि नमो बामन रूपाय बलि धनस विनोदिने त्रिविक्रमाय ते नित्य नमस्त नमो नमः. नमो बामन रूपाय बलि धनस विनोदिने त्रिविक्रमाय ते नित्य नमस्त नमो नमः. ये निलाद्री महोदय की 6/18 में है. आप पास अगर ये बुक है देख सकते हैं, नहीं तो हमारे स्टोर से आप खरीद सकते हैं. सो जब ये बामन रूप लेके आए थे बली राजा के पास, वो लास्ट का यज्ञ कर रहे थे जिससे यज्ञ में नाम की था कि विश्वजीत. उस अज्ञा के खत्म होने के बाद सबका सब लोग पातल एंड सब उनके हाथ में होता, वो जीत जाते. तो उसको रोकने के लिए महाप्रभु ने एक माया रचा. तो वो आके वो एक बामन वेश में आके वो उनको एक वर मांगे कि मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि एक आप कोई यज्ञ करने के लिए बैठे हैं, अगर कोई ब्राह्मण आया उनको कुछ चाहिए बोले तो आपका यज्ञ सिद्धि नहीं होगा, अब आपको देना पड़ेगा. वो उनका माया था महाप्रभु का. तो ये धोती है और ये बहुत कूल लग रहा है ना धोती में. वो आके 3 मांगे थे. जो वो 3 पैर मांगे थे उनको, पहले तो उनका जो गुरु थे शुक्राचार्य जी राजा बलि के, वो बोले कि नहीं ये स्वयं विष्णु आए हुए हैं तो इनको ये मत दो, मीन से ये मत मानो, ये पूरा आपका सन्नाश कर देंगे. तो बोल नहीं, वो उनके गुरु की बात नहीं माने, बोल नहीं मैं ब्राह्मण को दुआई दूंगा, क्योंकि एक होता है ईगो भी होता है. तो वो बोले हाँ ठीक है मैं देता हूँ. तो उनके गुरु भी उनको अभिशाप दिए थे कि तुम सब कुछ खोदोगे उसके बाद. तो सही है, खोदो अगर कोई ब्राह्मण यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा. तो बोले को तो महाप्रभु ने बोले कि कोई नहीं, मुझे 3 स्टेप मुझे जमीन चाहिए रहने के लिए. तो ठीक है ले जाओ. तो पहला स्टेप में क्या था, स्वर्ग. दूसरा स्टेप में था पृथ्वी. जो तीसरा स्टेप था वो ये भागवत में, जो उड़ीसा में जो एक भागवत है उसमें ये लिखा गया है कि उनकी नाभि से, महाप्रभु की बामन रूप में उनकी नाभि से एक पेड़ जात हुआ, एक लेग निकल के पूरा उनको और पाकल के ऊपर चढ़ती है. तो ये रहा हमारा राजा बलि जो कि एक धनुष एक तीर के साथ है. सही पर मैं मिस्टेक. एंड यह रहा हमारे महाप्रभु जी जो कि एक प्योर ब्राह्मण है. पूरा ब्राह्मण की वेश में आएंगे ना वो, ब्राह्मण की वेश में उनका छाता. एंड ब्लैक हैंड्स, तो वन ऑफ द यूनिक हमारे आर्टिस्ट ने किए थे कि उनको सब्सक्राइब बहुत अभी ब्लैक हैंड्स करेंगे. और उनका वो जो कुंडल है जो पानी लेके वो घूमते हैं, वही दे आर नॉट कंप्लीट स्टिल
एंड उनका दो जो चरण है, दो चरण आप देख सकते हैं एंड बलि का. सो हाउ दे लुक, होप दे लुक बेस्ट. एंड एक उसमें अलग है, ये है मुर्ग छाल जो कि उनकी कंधे में रहता है यहाँ पे, और इसको चाहिए अलग से आएगा. अगर आप खरीदते हैं ये बेसक को तो अलग से आएगा, तो उसके से बेसक के साथ भी हम ये एक जो पहले प्रॉमिस किए थे मोहना गम ये देते हैं हम. तो मोहना गम को आप यूज कर सकते हैं उसको चिपकाने के लिए. ये ऑर्गेनिक है, मूर्तियों में मंदिर में भी ये मूर्तियों में यही लगता है. जस्ट टेक समथिंग, तो उनको थोड़ा लगा के, अच्छे से लगा के आप चिपका सकते हैं और ये निकलेगा भी नहीं. जब आपका बेसर का दिन खत्म हो जाएगा तब आप उसको फिर से निकाल सकते हैं. आई होप ये रह जाए, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लगता है तब लगाने के लिए. लगने के लिए ये रहा, तो ये दिस इज द कंप्लीट बेसर. तो अगर आपको चाहिए ये बेसर तो हमारे पास अभी स्टॉक में भी है, 4 इंच से स्टार्ट करके 1 फीट तक. एंड सेप्टेम्बर 18 को 2021 साल में सेप्टेम्बर 18 को है, डैमिंग साल में भी तो हर साल ही होता है. तो ये इम्पोर्टेंट बेसर है, आप लीजिए. एंड बामन जी का आशीर्वाद आपको पर रहे, क्योंकि बामन जी जो ब्राह्मीण्स होते हैं वो वे टू डिवाइन होते हैं, वो शास्त्रों में ये होते हैं, तो वो वे टू डिवाइन होते हैं. सो जय जगन्नाथ. आप ये बेसर को खरीदिए एंड हमारे वेबसाइट विजिट कीजिए justkalinga.com. एंड कोई कुछ मूर्ति चाहिए होगा और जगन्नाथ जी के बारे में कुछ जानना है तो हमारा एक नया नॉलेज बेस भी है, उसमें एक सेक्शन आप उसमें पढ़ सकते हैं. एंड मूर्ति एंड कुछ भी जगन्नाथ जी के लिए कुछ चाहिए होगा तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं, डिस्काउंट भी चल रहा है उसमें. एंड मेनी मोर न्यू थिंग्स आर कमिंग. एंड अगर ये टी शर्ट्स अगर आप बाहर जाते हैं करने के लिए, तो हम ये टी शर्ट लॉन्च किए हैं जो कि ये कोई कार्टून नहीं है, जो कि मूर्ति जो डिवोटीज पूजा करते हैं उस मूर्ति को हम प्रिंट करते हैं, वो भी हाई क्वालिटी कॉटन के साथ. एंड द लॉकेट्स लाइक अगर जगन्नाथ को हर लाइक हर पार्ट में लेने के लिए मीन्स हमको मॉडर्निटी के साथ भी देना पड़ेगा, तो लॉकेट्स मेड ऑफ प्योरली क्ले, लैंड ऑफ अर्थ मीन्स लैंड ऑफ पूरी, पूरी का जो मिट्टी है उसमें ये बना है, तो ये वन टाइप ऑफ ग्रेस है, आप खरीद सकते हैं. जय जगन्नाथ. नमस्कार.